मेल्स को प्रोस्टेट ग्लैंड के इश्यूज को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने के वजह से बहुत सारे यूरिनरी सिम्टम्स आ सकते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो यूरिन करते वक्त आपको रुक रुक के यूरिन आ रही हो, यूरिन स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉब्लम हो रही हो, हेजिटेशन हो रहा हो, या फिर यूरिन करते दौरान आपको पेन रह रहा है, तो ये सारे लोअर यूरिनरी ट्रैक का सिम्टम्स बोलते हैं। अब ये इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कैन बी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिससे हम बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी कहते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन दिखाई देता है मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50। सो इसको हम कंफर्म कैसे करें? सो फर्स्ट इज ब्लड मार्कर रहता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है। ब्लड टेस्ट का नाम है PSA, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर वो आपके ब्लड में मोर देन 1.5 नैनोग्राम दिखाई देता है तो ये कंफर्म होता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के वजह से ये सिम्टम्स है। नंबर टू, यू कैन डू सोनोग्राफी ऑल्सो एंड यू कैन फाइंड इट आउट प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है या नहीं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आप आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, आप ये सिम्टम्स जो आपको यूरिन के हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज़ गो कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड ऑल्सो होम्योपैथी में भी इसके लिए अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट और इफ़ यू नीड एनी ट्रीटमेंट, यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।